तो फिर गाइस यार हम लोग एक और नए वीडियो के साथ आज के हैं भाई। आज के वीडियो में हम लोग करेंगे भाई अपना बेब्लेड का अल्टीमेट कॉम्बो, डिफेंस टाइप कॉम्बो भाई। और आजकल सभी लोग कॉम्बोज के बारे में कर रहे, तो मैंने कहा भाई हम भी क्यों पीछे रहे। आज हम लोग एक ऐसा तगड़ा डिफेंस टाइप कॉम्बो बनाने वाले हैं जिसको कि भाई किसी भी अटैक टाइप बेब्लेड को मतलब बाहर फेंकने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, लिटरली काफ़ी प्रॉब्लम्स है। और ये सबसे बेस्ट तो नहीं है, मेरे को भी मालूम है, क्योंकि भाई हर कॉम्बो बेस्ट हो सकता है, बस उसको बनाने आना चाहिए। तो फिर आज हम एक उन्हीं में से कुछ अच्छे कॉम्बोज को लेकर आए आपके सामने। तो उसके लिए आपको कुछ तीन बेज लगेंगे। पहला है आर्थिकल, दूसरा है रॉक जुराफ और तीसरा है डार्क वुल्फ। तो भाई आपको क्या करना होगा इस अल्टीमेट डिफेंस टाइप कॉम्बो को बनाने के लिए, ईगल को खोल लेना है, उसका जो एनर्जी लेयर है उसको निकाल लेना है। फिर आपको जुराफा का स्पिन ट्रैक चाहिए, ठीक है, और जुराफा का प्लास्टिक व्हील भी चाहिए। ये रहा इसका प्लास्टिक व्हील और ये रहा इसका ट्रैक, इसको करते हैं अलग। और ये कुछ तीन चीज़ें चाहिए अपन को, चाहिए वुल्फ का टिप, ये वाला टिप। मैं दूसरे कलर का ले रहा हूँ, हालांकि दोनों सेम है, दिखा देता हूँ ये वाला, ठीक है, देख लो। ये देखो दोनों के दोनों सेम हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इनके बीच। ये वाला टिप चाहिए, तो फिर फोकस कर लेते हो। हाँ तो फिर भाई इसको यहाँ पे लगा लेते हैं ऐसे, और फेस बोल्ट इसी का ले लेता हूँ, इसका ये भाई लग जाओ ये, अरे ये लग गया ऐसे, और लास्ट में लगा देना है इसका टिप। और भाई ये हो गया है कुछ वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस टाइप बेब्लेड एवर, मतलब कुछ बहुत अच्छे बेस में से एक है ये। सबसे बेस्ट तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि भाई अभी डाउट होंगे मेरे पे भी कि ये सबसे बेस्ट है कि नहीं, लेकिन इस पर एक टेस्ट पिन दे देते हैं। ब्रो क्या कर रहे हो, इसको ढंग से लॉन्च करना पड़ेगा मेरे को। ये देखो अब हुआ है लॉन्च भाई, बहुत तगड़ा दिख रहा है, लुक्स के वाइज तो बहुत तगड़ा लग रहा है। ये क्या करता है, ये जुराफा का ट्रैक की जो भी अटैक होता है ये उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, और ईगल का व्हील तो भाई बेस्ट है ही। तो चलो भाई इसे कुछ अटैक टाइप बेब्लेड्स के सामने लाते हैं, और चलो भाई कुछ अटैक टाइप बेस में निकाल लिया हूँ। सबसे पहले भाई से अपन स्टॉर्म पेगासस के साथ करते हैं, ठीक है, पेगासस के साथ। तो फिर पहले अपन इसको चला लेंगे, ये देखो पेगासस के हम लोग का इसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा। ये देखो भाई इसका कोई असर ही नहीं पड़ रहा इस पर, क्योंकि इसका ये जो टिप ट्रैक है वो उसको बहुत हेल्प कर रहा है। तो फिर इसको रखते हैं यहाँ पे। अगला अटैक टाइप बेब्लेड अपन ये ले लेते हैं, क्या नाम है, स्पाइरल कैप्रिकॉन को। तो फिर पहले इसको चला लेंगे, और मैं भी काफ़ी ज़्यादा आराम से चला रहा हूँ भाई, टिप ही आ गया इसका। चलो अरे भाई वो तो अलग ही चला गया, चलो मैं उसको उठा के आता हूँ, और भाई ले आया हूँ मैं इसको, ये देख लो। चलो भाई इसको चलाते हैं पहले, ये देखो भाई ये बहुत तगड़ा डिफेंस टाइप बेब्लेड, लिटरली काफ़ी तगड़ा है, कोई मजाक नहीं। जुराफा का जो ट्रैक है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है रियली, और इसका डिफेंस ख़त्म है, रखते हैं। चलो भाई गैलेक्सी पेगासस को अपन ले आए हैं, और अब गैलेक्सी के साथ होने वाली इसकी बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि गैलेक्सी एक है बहुत तगड़ा अटैक टाइप। तो इसको चलाते हैं भाई, अटैक हो यार, हाँ ये हो गया भाई। गैलेक्सी पेगासस में बहुत पोटेंशियल है, रियली बहुत पोटेंशियल है, इसलिए एक और राउंड करेंगे भाई इसके साथ।
चलो भाई एक और वाह करेंगे इसमें। भाई यार ये डायरेक्ट टक्कर बहुत ज्यादा मस्त हो रही है। ओ भाई भाई स्टैमिना देखो तुम खाली इसका, कुछ फर्क नहीं पड़ा इस ब्लेड को। चलो गैलेक्सी भी हार गया है, यहाँ रखते हैं। अब भाई करते हैं इसका कुछ भयंकर बेस के साथ मुकाबला, और भयंकर से अब तुम देख चुके हो कि क्या है भयंकर। भयंकर है अपना लाइटनिंग अल्ट्रा जो कि भाई ये रहा अपने सामने। ठीक है करते हैं इसको मुकाबला इसके साथ जल्दी से लाइटनिंग, और इसको भी सेट कर लेते हैं। ओ भाई एल्ड्रागो ने रियली बाहर कर ही दिया था, ये वॉल ने बचा लिया उसे, और बस ठीक है। और भाई अभी भी ये बेस्ट नहीं कह सकते, मतलब हाँ वन ऑफ द बेस्ट जरूर है, टॉप में तो आता ही है भाई ये। और भाई और भी अटैक टाइप बेस, आप सरपेंट के साथ भी करके देख लेते हैं, और ये अभी तक किसी से भी नहीं हारा है। और लाइटनिंग इससे स्पिन स्टील नहीं कर रहा भाई, इसको रख देते हैं यहाँ पे, करते हैं सरपेंट के साथ क्योंकि वीडियो हो रही है लंबी। अरे सरपेंट डिफेंस टाइप वेवलेट है यार, चलो कोई बात नहीं कर लेते हैं। फिर भाई करते हैं इसका बहुत अच्छे अच्छे बेस के साथ मुकाबला, जैसे कि डार्क वुल्फ, ए बुल डार्क बुल, और खरवैक्स के साथ भी कर ही लेते हैं। अरे बुल तो अटैक टाइप है ही नहीं यार, पर बुल के साथ खरवैक्स के साथ करते गाइस, देखते हैं हेडिस खरवैक्स को क्या हरा पाएगा ये, क्योंकि खरवैक्स एक रियली बहुत पावरफुल वेवलेट है, और इससे चुनौती तो मिलना बनता ही है। और भाई स्टैमिना वाइज भी देख लो, स्टैमिना बैटल भी हो गया एक सरपेंट के साथ, ईगल जीत गया अपना, इजीली जीत चुका है। तो फिर अब भाई होगा इसका असली चुनौती, क्योंकि अब है खरवैक्स। ओ भाई अभी से तगड़े हिट पड़ने चालू है भाई, तगड़े वाले। हाँ और कोई अटैक टाइप देखे क्या भाई, लेसर अटा नहीं, वो नहीं लेसर अटा का वीर अटैक टाइप है ही नहीं। ओ भाई साउंड सुनो तुम एक बार, भाई खरवैक्स शायद हरा सकता है, मुझे कुछ कुछ फीलिंग आ रही है कि खरवैक्स शायद हरा दे, बट अभी कुछ कह नहीं सकते भाई क्योंकि पहले ईगल चला है और खरवैक्स बाद ही में चला है, और खरवैक्स बिल्कुल कमज़ोर वेवलेट नहीं है शायद सभी को मालूम है। और भाई चांसेस, खरवैक्स पहला वेवलेट है भाई, खरवैक्स पहला वेवलेट है जिसने अपने इस अनबीटेबल कॉम्बो को जो अभी तक था भाई, उसने कुछ इन 5-6 बेस को हरा दिया, वो भी तगड़े वाले अटैक टाइप। ठीक है तो फिर खरवैक्स एक लौता वेवलेट है जो कि इसको हरा पाए, तो भाई अगले वीडियो में अपन बनाएंगे एक तगड़ा वाला अटैक टाइप जो कि वाट लगा देगा सभी की भाई बहुत। इसको भी इसका डिफेंस भी तोड़ना है मेरे को, इसलिए अब तक तो समझदार लोग समझ चुके होंगे कि कैसा अटैक टाइप वेवलेट बनने वाला है। और चलो भाई तो फिर वीडियो को करते यहीं पे बंद, तो गाइस यही थी हमारी वीडियो, उम्मीद करते हो पसंद आई होगी, पसंद आई लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, जल्दी मिलते हैं ऐसा ऐसा बेब्लेड कंटेंट के साथ में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।